इस गोल चक्कर के अंदर से बंदा लाजमी गुजरता है, और जब गुजर के आगे जाता है तो ट्रैप है। और लग रहे हैं इन्होंने फिश भी खानी है। बाबा बाबा, हाँ वो कह रही है कि बाबा फिश खानी है। सो अभी राइट नाउ हम जा रहे हैं एक खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे लाइटनिंग वगैरह हुई भी है, और क्योंकि यहाँ क्रिसमस जर्मनी के अंदर अभी राइट नाउ क्रिसमस की तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि 25 और 24 को यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट की जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो लाइटनिंग है वो पहले ही कर देते हैं। तो राइट नाउ अभी जो है हम जा रहे हैं और आपको ज़रा व्यू दिखाते हैं ज़रा। तो जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया था कि यहाँ पे बड़ी लाइटिंग वगैरह हुई है, तो आपने पीछे ज़रा मैं दिखाता हूँ आपको, ये राइट नाउ यहाँ पे लाइटिंग वगैरह हुई हुई है, और अभी हमारा यहाँ पे जो इनकी जो स्पेशल चीज़ें हैं, आप देखें गोरे बियर शेर भी छिक रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया था, यहाँ पे एक किस्म का मेला लगा होता है, और राइट नाउ जर्मनी के अंदर यहाँ पे काफ़ी स्वीट्स की वैरायटीज़ होती हैं, और हर तरह की स्वीट्स, बादाम के ऊपर मीठी मीठी स्वीट्स लगाई जाती है, वो भी बड़ी टेस्टी होती हैं, और लोग बाहर निकले होते हैं खाने पीने की चीज़ों के लिए। तो आप अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये भाई साहब टोपियाँ बेच रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, यहाँ पे बेबीज की रौनक लगी हुई है। राइट नाउ मैं खूबसूरत से एरिया के अंदर से गुजर रहा हूँ, ये देखो जस्ट लुक एट दिस, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल डेकोरेशन राइट नाउ यहाँ से गुजर रहा हूँ मैं, और इसके आगे जो है वो गोरों की पार्टी हो रही है, ये मेरा बिस्की वगैरह वाइन वगैरह चल रही है। सो आई थिंक मैं गलत जगह पे आ गया। सो ये देखें यहाँ पे इन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको सजाया हुआ है। सो आई जस्ट लव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखें ना, गोरों ने भी बड़ा अट्रैक्ट करने के लिए बड़ा उन्होंने फिट काम किया हुआ है, कि जहाँ अट्रैक्शन देनी हो वहाँ पर खूबसूरती बढ़ा दो। अब इस गोल चक्कर के अंदर से बंदा लाजमी गुजरता है, और जब गुजर के आगे जाता है तो ट्रैप है, आगे फिर जो है वाइन चल रही है, और उसके बाद बियर चल रही है, और अब सर्दी है तो उन्होंने क्या किया है, गर्म बियर देना शुरू कर दिया है कॉफ़ी के नाम पे। तो ये जो है ट्रैप था जहाँ से मैं बाहर निकला हूँ, और देखे ना ये बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने ऊपर से टेल सजाया हुआ है, बाकी आप देखिए इस पर इतनी सजावट नहीं हुई,
सिर्फ उसको गोल सजा के और आगे फिर जो है ना ताकि जो गोरे अट्रैक्ट हों और जो गोरे नहीं हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह का सीन चल रहा है। मैं जिस स्ट्रीट पे हूँ अभी जो गोरे पार्टी हैं वो इस सीज़न में बाहर निकले हैं क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ उस तरह नहीं होती तो यहाँ पे लोग बाहर निकले होते हैं, ठीक है, और बाहर ही बैठ के खाना खाते हैं। तो हमारा भी इस तरह कोई मूड बनेगा तो इंशाल्लाह कोई फ़िश आज खाते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है ना ठंडा है यहाँ पर। और मैं भी आपको आर्ट दिखाता हूँ, मिट्टी से बनाया अगले ने। तो मेरे भाइयों ये है जी घोड़ा, ठीक है। इस घोड़े को पहले भी आपने देखा होगा, खैर ये रंग बदलता है, गिरगिट नहीं है लेकिन ये रंगीन घोड़ा है। तो मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवाम सर्दी में बाहर निकली हुई है और इन्जॉय कर रही है। और अभी हमने जो है वो म्यूटसन खाने हैं जिसका मैंने जिक्र किया था, वो मैदे के होते हैं, ठीक है। उसको जो है वो फ्राई किया जाता है, एक प्लेट के अंदर डाल के फ्राई करके फिर उसमें निकालते हैं, फिर उसमें कुछ लोग न्यूट्रेला डाल देते हैं और कुछ लोग जो है उस पर चीनी डाल के खाते हैं। चीनी मतलब इनका मैदे की तरह वाइट सी शुगर होती है, तो वो ज़रा ट्राई करते हैं। और फिर इस मॉल से ज़रा, इस सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, बाहर निकलते हैं और फिर जाके ज़रा फ़िश ट्राई करते हैं क्योंकि आज का मौसम जो है ना फ़िश खाने वाला है। राइट नाउ मैं एक मॉल के अंदर एंटर हुआ और उस मॉल को भी नहायत खूबसूरती से सजाया गया है। मैं आपको जो है ना उसके भी जो ग्लिम्प्स हैं वो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। मुंतहा अभी आप कहाँ जा रहे हो हैं गंदे बच्चे, शरारती बच्चे। तो भाई लोग, काफ़ी ठंड और सर्दी के बाद फिश तो बनती है, तो यहाँ की जो हमारे सिटी की सबसे जो बेस्ट है, क्योंकि आप नॉर्थ में रहते हैं तो नॉर्थ में जो इनकी फेमस फ़िश है वो फ़िश ट्राई करते हैं। मैंने जैसे आपको ज़िक्र किया था ये है नॉर्थ मींस यहाँ की फेमस फिश। तो अभी अंदर चलते हैं और
सो राइट नाउ हमने ऑर्डर कर दिया है, फिश का वेट हो रहा है। तो मुंतहा आपने फिश खानी है, हैं? फिश खाओगे आप, हैं? मुंतहा के मूड कोई और लग रहे हैं, इन्होंने फिश भी खानी है। बाबा बाबा हाँ वो कह रही है कि बाबा फिश खानी है। राइट नाउ हम फिश का वेट कर रहे हैं और उसके साथ हमने गार्लेनन, इसे हम श्रिम्प कहते हैं इंग्लिश में, वो भी ऑर्डर किए हैं। तो देखते हैं कि कैसा टेस्ट है, देन सी यू व्हेन फिश अराइव। तो हमारी फ़िश आ चुकी है और फ़िश को एंजॉय करते हैं। और आपने ये ब्लॉग अगर एंजॉय किया है, सारा आपको मैं टूर कराया है कि यहाँ पे किस तरह जो है ना क्रिसमस की सेलिब्रेशन हो रही है, लाइटिंग वगैरह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक